नहीं, कुछ तो टेक्निकल गड़बड़ आया। ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ ठीक किया जा सकता है। ओके, इसको कैंसिल करें। ओके ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नया अध्याय स्टार्ट होगा, मेरे को याद नहीं था, मैंने डाउनलोड नहीं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे बी 30 सेकेंड्स। और अभी अगर हाईलाइट स्क्रीन नहीं चाहिए तो अभी भी शेयर कर सकते हैं। कुछ बातें करनी थी क्या? आज 3-4 बार अनुभूति हुई कि हरे कृष्ण, फोन अनम्यूटेड है, प्लीज म्यूट कर लें। हरे कृष्ण माता जी, म्यूट करना होता है। ओके यस, 3-4 बार अनुभूति हुई कि हमें जो भी चाहिए होता है कृष्णा प्रदान कर देते हैं। ठीक है, इनफैक्ट असलियत बहुतों के साथ, आप लोगों के साथ भी है कि आप लोग बहुत सारे डिवोटीज हैं, आप में से बहुत सारे डिवोटीज हैं। आज भी 2-3 डिवोटीज को मैसेज किया मैंने, मुझे पहले से मालूम है उनको क्या बीमारी हो रही है। ठीक है, वो खुद बता नहीं रहे पर मालूम है मुझे। ठीक है, तो एक्चुअली मैं नहीं करता। लोग बोलते हैं प्रभु जी कुछ बुरा नहीं चल रहा, मेरे को मालूम है बुरा चल रहा। मैं किन्हीं को बताता हूँ 5-7 दिन पहले कि आपकी तबीयत खराब होने वाली है, कृपया ध्यान दीजिए। ध्यान नहीं देते हैं, फिर बोलते हैं कि तबीयत खराब होगी। अब इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है? आपको बता भी दिया तबीयत खराब होने वाली है, इसके बाद भी ध्यान नहीं दीजिएगा तो क्या कर सकते। तो कृष्णा हर किसी पे अहेतु की कृपा किए जा रहे हैं, और हमको जो भी जरूरत है, जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कृष्णा सब कुछ प्रदान कर देते हैं, सब कुछ, और हर बार करते हैं। ठीक है, अब तो आप सभी को अनुभव करते करते ये दिखने लग जाना चाहिए। इनफैक्ट असलियत मालूम है क्या है? जिस दिन गुरु हमारा हाथ पहली बार थामते हैं, उस दिन से हमको जो भी जरूरत होता है गुरु स्वयं ही प्रदान कर देते हैं। कल परसों एक जिज्ञासा हो रही थी कि हमको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है, कुछ तो ऐसा बस परसों हो रही थी, शायद आश्लीषा माता जी जो भी, तो वही जो क्लास में बात कर रहे थे वही बात है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ना। इनफैक्ट एक कोट भी आया, आर्यू का एक कोट आया, वो कोट बहुत रेलेवेंट है। एक डिवोटी को मैंने आज भेजा भी, वो क्या था आपको बताऊंगा। यदि हम आचार्य की शरण लेते हैं तो इसका अर्थ है कि हम कृष्ण की शरण ले रहे हैं। यदि आचार्य गुरु संतुष्ट हैं तो हमें निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि कृष्ण संतुष्ट है, तो यह सिद्धांत है और आचार्य हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आचार्य हमारा मार्गदर्शन करने के लिए नहीं है, ऐसे नहीं है कि हमको कष्ट हो रहा है, आइए आइए आचार्य इधर आइए हमको मार्गदर्शन कराइए, नहीं बिल्कुल नहीं। वो तो अपनी वाणी से ही मार्गदर्शन कर देते। ठीक है, हमारा मार्गदर्शन होना नहीं चाहिए, प्लीज समझिए इस बात को। हमारा मार्ग क्यों दर्शन, हमारा मार्ग क्यों क्लियर होना चाहिए, हमें साफ साफ भगवान तक मार्ग क्यों पता चलना चाहिए? नहीं पता चलना चाहिए, नहीं पता चलना चाहिए। क्या हम डिजर्व करते हैं? बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, नहीं मिलना चाहिए, परंतु मिलता है। तो ये क्या है? ये कृष्णा की अहेतु की कृपा है। कृष्णा हम सभी पे अहेतु की कृपा कर रहा है। देखिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी किन्नी डिवोटी को मैसेज करके रिक्वेस्ट किया, आप लोग कृपया अपने प्रयास से ही अपने घर परिवार में रिश्तेदार जो भी नाते संबंधी हैं, अगर कोई भी बस इतना सा करे कि मुझसे द्वेष ना करे और मेरी कही गई बातों को पालन करने का प्रयास करे, कुछ दिन, 15 दिन, 1 महीना करके देखे, जीवन भर किया है कुछ और, 15 दिन कुछ और कर लीजिए। देखिए, दो बातें हैं, जीवन भर कुछ भी किया हो, क्या प्रसन्न रह रहे हैं क्या? अगर वो प्रसन्न है तो फिर कोई दिक्कत नहीं,
परंतु आज प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग मूर्खता में भी प्रसन्न हो जाते, ना। एक एक भौतिक जगत का गीत था, किसी जमाने में वो गीत बहुत अच्छा लगता था, अभी बहुत बड़ा मजाक है वो, एक्चुअली में भौतिक जगत वाले लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा, परंतु मालूम है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया जाकर के सुनिएगा, नहीं किसी को सुनने की इच्छा हो तो सुन लीजिएगा, परंतु फिर रिपीटेड मोड पे नहीं सुनिएगा। देखिए भौतिक जगत में कितनी मूर्खता होती है और किस प्रकार का सोच होता है, पता नहीं कुछ तो मतलब लाइंस आगे पीछे थी वो तो कुछ अच्छा नहीं लगता था, बस ये दो लाइन हुआ करती थी बहुत अच्छा लगता था किसी जमाने में, ना सुनते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ बस रहने दो, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूं काफी। एक्चुअली में ये जो मनोस्थिति वाले लोग हैं इनको समझा पाना बड़ा मुश्किल है, जो मेरी वो मानसिकता हुआ करती थी उसको समझा पाना बड़ा मुश्किल। कृष्णा फिर भी कृपा करते हैं, सोच के देखिए इतने बुरे गुण में स्थित हो गए कि हम जानने ही नहीं चाहते, कुछ नहीं जानना चाहते, फिर भी कृष्णा प्रेम से बुलाते, आओ 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 इधर। अब सोच के देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु जी आप क्यों चाहते हैं कि सब कोई भक्ति करने लग जाए, इसलिए चाहते हैं क्योंकि किसी दिन तो मैं भी अट्रैक्टेड था ना इस गाने से सुन करके, कभी ना कभी। अरे गाना कोई मतलब नहीं है, कोई मोल नहीं है, भौतिक जगत के कोई भी कार्यकलाप का कोई मोल नहीं है, आप मनोस्थिति समझिए। हम अपने में रहना चाहते, आप सोच के देखिए, अगर आपको सत्य पता है तो आप अपने में क्यों रहिए? किसी को भी सत्य पता है, किसी को भी शुद्ध ज्ञान पता है तो अपने में क्यों रहेगा? हम लोगों की क्लास का तो ओपन नियम है भाई, किसी को भी बुलाइए हम बताएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रपात यही बोलते कि आपको भगवान के बारे में नहीं पता है, हमको पता है, आओ बताते हैं, बैठ जाओ। आज भी पढ़ रहे थे तो यही पढ़ रहे थे, कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि श्रील प्रभुपाद ने भौतिक अवधारणाओं का खंडन नहीं किया, कभी ऐसा नहीं हुआ, परंतु किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं चाहते, कृष्ण सबका हित चाहते हैं, भगवत भक्त भी सबका हित ही चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, किसी का अहित नहीं चाहते। तो समझिए कि हम लोगों को सारी मलिनताओं से बाहर निकलना है, हर स्थिति में जो भी बुराइयां हैं उससे बाहर निकलना है। अब देखिए प्लीज मदद कीजिए, प्लीज मदद कीजिए, सबकी मदद कीजिए, आपकी मदद हो जा रही है काफी नहीं है। बहुत लोग क्या सोचते हैं ना, हम सीख लिए, मेरी पत्नी नहीं जान रही है, ठीक है, क्यों ठीक है? हम जान लिए, मेरे परिवार वाले नहीं मानते, ठीक है, क्यों ठीक है? अगर आप समझ भी गए, देखिए असलियत तो ये होगा कि अगर समझ गए तो आप, इसका अर्थ तो ये हो गया कि आप नित्य सिद्ध हो गए। देखिए प्लीज समझिए, हम लोग बहुत लोग 3 साल से जुड़े हुए हैं ना, करीबन 3 साल हो, नित्य दिन हर दिन एक नया अनुभव होता है कि नहीं होता? भगवत ज्ञान कुछ नहीं बदल रहा, जो 3 साल पहले बोला करते थे सेम वही वही बात आज भी बोल रहा, हर दिन एक नया अनुभव होता है कि नहीं होता? वही ज्ञान, कुछ बदल नहीं रहा है।
हरे कृष्णा, जल्दी जल्दी बताइए, 3 साल से जुड़े हुए, 2.5-3 साल से जुड़े हुए, वो बताइए। हर दिन नया अनुभव होता है कि नहीं? ज्ञान वही है, बिल्कुल नहीं बदल रहा, समझिए। नए डिवोटी जो हैं वो कम से कम ये सारी बातें को देखें और समझिए कि आप सोच के देखिए ऐसा क्या होगा पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया में आप सोच के बताइए कौन ऐसी चीज है कि बाकी सारी बातों को छोड़ दीजिए, बाकी मुझे कोई समझदारी नहीं है, मुझे बस एक छोटे से छोटी सी जिज्ञासा का आंसर कर दीजिए, छोटी सी बात पूछ रहा हूं आप उसका आंसर कर दीजिए। कौन सी ऐसी चीज है पूरे दुनिया में कि हम नित्य दिन बुलाते हैं, हर दिन बुलाते हैं कि आ जाइए, और डेली 9 बजे आ जाते हैं, आकर के बैठ जाते हैं और 1 घंटा सुनते रहते हैं। ऐसा क्या है कि हर दिन सुनने आ जाते हैं? कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो वो अनुभव कर रहे हैं। आप भी अनुभव करके देखिए, है ना? कुछ तो है कि मुझे धन का लोभ नहीं है। आप सोच के देखिए, भौतिक जगत में कोई आपको एक छोटा सा है? कोई कोचिंग चलता है ना, कोचिंग, तो बच्चों को कुछ एक सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, है? स्कूल में टीचर एक क्लासेस ले लेती है, क्लास ले लेती है, तो एक क्लास एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का 1 घंटे का अगर कोई अच्छा चल रहा तो कितना कितना चार्जेस ले लेता है 1 घंटे का? परंतु यहां पे तो कोई चार्जेस नहीं लग रहा, हम आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे, तो ऐसा क्या है जो मैं यहां पे बैठा हूं, मेरे को क्या मिल रहा है? देखिए, वॉलेंटियर्स डोनेट करना चाहते हो, बिल्कुल डोनेट कीजिए, अभी तो कम बोल रहे हैं, अभी तो फिर भी थोड़ा बोलने लगे हैं, पहले तो और कम बोला करते थे, आगे चल के और ज्यादा मांगेंगे। परंतु वॉलेंटियर से जो करना चाहते हैं उनसे, उनसे नहीं जो नहीं करना चाहते, कभी भी उनसे नहीं मांग रहे जो नहीं करना चाहते। जिनको नहीं डोनेट करना, बिल्कुल मत डोनेट कीजिए, आप आइए सुनिए जाइए, कभी मत डोनेट कीजिए, ठीक है? प्रसादम भी फ्री प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होते रहेगा, आप लोगों को फ्री प्रसादम भी मिलेगा, चिंता नहीं, वो पूरे दुनिया को मिल जाएगा, पूरे दुनिया में जो भी, मतलब इंडिया में जो भी सब्सक्राइब करेगा उसको भी मिल जाएगा, पहले भी किया, आगे भी करने का कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर कृष्ण की इच्छा, सोच के देखिए कुछ तो है। परंतु इन सब के बावजूद एक बात बता दूं, देखिए बदलाव तो पूरा पूरा आएगा, बदल तो पूरे जाइएगा, परंतु अपनी मलिनता सामने मत रख दीजिए। आपके और भगवान के बीच में दीवार मात्र एक है, आपकी भौतिक मलिनता। यहां पे आ गए ना, यहां पे आ गए ना, अब यहां से वहां तक का रास्ते में बस एक ही दिक्कत है। अब हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, किसी को 6 महीना लग रहा है, किसी को 6 साल लग रहा है, किसी को मे बी 1-2 जन्म लग जाए। 1-2 जन्म लगना भी बहुत बुरा नहीं है, सच मानिए, कोई बुरा नहीं है। अगर 1-2 जन्म लग जाए तो कोई बुरा नहीं, 2 जन्म बाद भी कृष्ण के पास जा रहे कोई बुरा नहीं, तो किसी को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है। परंतु यहां से वहां तक का रास्ता अब क्लियर है। अपनी भौतिक मलिनता को थोड़ा साइड रखिए, भौतिक मलिनता को सामने मत लाइए। अगर भौतिक मलिनता को लाए तो आप भगवान से अपना संबंध जो स्थापित होना है उसमें आप रुकावट खड़ी कर, ये मत कीजिए। आप सभी ने, बहुत सारे यहाँ पे डिवोटीज बैठे हुए, उनने देखा हुआ है, बहुत सारे लोग इस प्रकार से मलिनता को सामने ले आए,
और दूर होते चले गए, आगे भी होते रहेगा, आगे भी होगा, कोशिश रहेगा कि कम होए, परंतु ये होएगा। तो कृपया करके जो भी कष्ट रहे वो बताते रहिएगा, जिज्ञासा जितनी रहे पूछिए, जो बात बोलनी रहे बोलिए, परंतु कृपया भौतिक मलिनता को सामने मत लाइए, ठीक है। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, अपनी मलिनता को साइड में रखिए, जो जिज्ञासा है पूछिए, जो पूछ कंटिन्यू करें। जिन किन्हीं को जो भी पूछना हो वो बिना किसी संदेह के, बिना किसी संशय के पूछा करें, पूछिए, जितना पूछना पूछिए। 10 o'clock पूछा जाता है, पूछिए, परंतु भौतिक मलिनता को थोड़ा साइड रखिए, द्वेष मत कीजिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं समझने का प्रयास, और अध्याय 3 कैंटो 4 शुरू करें। जिनकी निको रीड करना हो वो अपना हैंड रेस करें, और शुरुआत करेंगी ऋचा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अध्याय 3 श्री शिव तथा सती का संवाद। मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार से जमाता शिव तथा श्वसुर दक्ष के बीच दीर्घ काल तक तनाव बना रहा। तात्पर्य, पिछले अध्याय में विदुर ने मैत्रेय से प्रश्न किया था कि शिव तथा दक्ष के बीच मनोमालिन्य यानी कलह का क्या कारण था। दूसरा प्रश्न है कि दक्ष तथा उनके दामाद के बीच होने वाले इस कलह से सती ने अपना शरीर नष्ट क्यों किया। सती द्वारा शरीर त्याग का मुख्य कारण यह था कि दक्ष ने दूसरा यज्ञ प्रारंभ किया जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सामान्यतः जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो सभी देवताओं विशेषतः ब्रह्मा शिव तथा अन्य प्रमुख देवता इंद्र तथा चंद्र को आमंत्रित किया जाता है और वे सम्मिलित होते हैं। यद्यपि प्रत्येक यज्ञ का ध्येय भगवान विष्णु को तुष्ट करना होता है। कहा जाता है कि जब तक सब देवता उपस्थित न रहें तब तक कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। लेकिन दामाद तथा श्वसुर के बीच तनाव के होते हुए ही दक्ष ने दूसरा यज्ञ प्रारंभ कर दिया जिसमें शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया। ब्रह्मा ने दक्ष को मुख्य प्रजापति के रूप में नियुक्त किया और वह ब्रह्मा जी का पुत्र था ही, अतः उसका पद ऊंचा था जिससे उसको बहुत घमंड होने लगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो देवी देवता की भक्ति करते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए आप समझिए, आप किसी देवी किसी देवता की भक्ति करते होंगे, जो देवी देवता की भक्ति करते हैं उनके लिए विशेषकर आज जिन डिवोटी से बात हो रहा था, अगर वो भी अपने उन संबंधी को बुला लें जिनके बारे में बात हो रहा था, तो सामने लिखा हुआ है वो सुने, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए आप देवी देवता की भक्ति करते होंगे, है ना। हम यज्ञ करते हैं तो सभी देवी देवता को प्रसन्न करने का नेसेसिटी होता है, जरूरत होती है। आप सोच के देखिए, कृष्णा ने विभिन्न पद दिए हुए, किसी को ऐसे ही थोड़ी ना कोई पद दे दिया कि वो डिजर्व नहीं करते तो उनको चंद्रदेव बना दिया, वो डिजर्व नहीं करते उनको सूर्यदेव बना दिया, वो डिजर्व नहीं करते उनको अग्निदेव बना दिया, वो डिजर्व नहीं करते उनको इंद्रदेव बना दिया, वो डिजर्व नहीं करते उनको शनिदेव बना दिया। कोई ऐसा है क्या कि वो डिजर्व नहीं करता है परंतु उनको वो पद दे दिया गया। देखिए फिर से मेरे को सीरियल से कष्ट ये है, सीरियल वाले बाकी सारी चीजें बहुत कुछ करते हैं। कल जैसे हम लोगों ने जाना
कि उनका लक्ष्य क्या होता है, टीआरपी पाना। तो बहुत बार सीरियल एंटरटेनमेंट के लिए हंसी मजाक कर देते हैं, है? बहुत बार आपने इंद्रदेव का मजाक देखा होगा, समझिए इंद्रदेव का मजाक मतलब कृष्णा ने मूर्खता की कि इंद्रदेव को उस पद पे रख दिया, इसीलिए ये सीरियल वाले मजाक बना रहे हैं। आप सोचिए क्या कर रहे हैं, क्या अपराध कर रहे हैं ये, ठीक है? कृपया करके नारद मुनि का मजाक बना देते हैं, समझिए ये सब बहुत बड़ा अपराध है। मेरे को सीरियल से ये प्रॉब्लम, और हमेशा ही करेंगे, वो टीआरपी उनका लक्ष्य है ना, उनका लक्ष्य टीआरपी, उनका लक्ष्य कृष्णा प्रेम नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है। चलिए वापस आते, तो जब हम यज्ञ कर रहे हैं तो हमको सभी को तुष्ट करना है। जो कर्म कांड कभी यज्ञ तप करते होंगे वो जानते होंगे, हैं? पहले इसको भूमि के प्रसन्नता के लिए करते हैं, फिर इसकी प्रसन्नता, फिर उसकी प्रसन्नता करते हैं ना, सबने किया है ना, है? पंडित जी पहले बोलते हैं ना, इसके लिए करो, इसके लिए करो, इसके लिए करो, इसके लिए करो, फिर यज्ञ स्टार्ट होता है ना, है? चार पांच को पहले बोल देते हैं, उसके बाद बीच में कुल देवता को भी लाते हैं, किया ना, हरे कृष्णा, हर बार देखा है, जल्दी से चैट में यस लिखिए, जिन जिन ने देखा है, जिन जिन ने कर्म कांड करते हुए अपने घर में देखा है कि पहले बोलते हैं भूमि के लिए करो, फिर अग्नि के लिए करो, फिर वायु के लिए करो, फिर इसके लिए करो, फिर उसके लिए, चार पांच नाम लेते हैं, देखा है ना। एक बात बताइए, आप चार पांच को प्रसन्न करके बाकी देवी देवता को अप्रसन्न कर देंगे, चलेगा क्या? अपने बाकी देवी देवता की प्रसन्नता के लिए क्यों नहीं किया? जब यज्ञ कर रहे हैं तो सबकी प्रसन्नता पहले कीजिए ना, शुरू हुई है, एक एक देवी देवता का नाम लीजिए, पता चलेगा कि जो पंडित जी को बुलाया ना, उनको पहले बुक से लिख करके चार पांच घंटे पहले देवी देवता का नाम लेना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा उनके प्रसन्नता, उनकी समझिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी महिमा जाननी होगी, शुद्धता से जाननी होगी। और हो सकता है जन्म जन्मांतर नाम ले जाए, नाम ही नहीं खत्म हो, है? तो आप उनको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? आप देवी देवता को प्रसन्न कर कैसे सकते हैं? कोई भी अगर एक देवी को पूजता है, दूसरे देवी को पूजता है, तीसरे देवता को पूजता है, तो बाकी देवी देवता रुष्ट नहीं होंगे? बाकी देवी देवता को छोड़ दीजिएगा, क्यों छोड़ दिए? क्यों छोड़ दिया बाकी देवी देवता को, क्यों छोड़ दिया? क्या जो भी आप लोग घर में कोई भी देवी देवता की पूजा करते हो, क्या आप सभी देवी देवता की पूजा करते हैं, सभी अवतारों की पूजा करते हैं, करते हैं क्या? किसी में इतना सामर्थ्य है क्या कि अपने सुविधा अनुसार कोई देवी देवता चुन लिया? सुविधा अनुसार कहने का अर्थ यह है कि अपने को लाभ होता है, अपने को फायदा होता है, अपना हृदय उनके प्रति समर्पित है। बहुत लोगों को तो कुल देवता कुल देवी नहीं मालूम होते, बहुत सालों तक नहीं मालूम होते, नहीं मालूम होते, फिर ऐसा एक्ट करने लगते हैं कि कुल देवता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा होता है, नहीं होता आप क्या देवी देवता की पूजा अच्छे से कर सकते हैं? और दूसरा एक और बात, किसी को भी तुष्ट करने के लिए, हैं? रावण शिवजी को तुष्ट करने के लिए कितना घनघोर तप किया, क्या आप हर देवी देवता के लिए इस प्रकार से घनघोर तप कीजिएगा तो प्रसन्न हो जाए? क्या आप कर सकते हैं ऐसा?
कर सकते हैं, पॉसिबल है, क्षमता है आप में। सच सच बोलिए, पॉसिबल है तो बोलिए कि हाँ कर सकते हैं। हाँ, क्या हम में कोई भी ऐसा कर सकता है कि सभी देवी देवता को प्रसन्न कर दें? देखिए, हमको यही तो समझना है, हमको मात्र यही समझना है। क्या समझना है? कि हम देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप समझिए, प्लीज माफ कीजिए ये एग्जांपल के लिए भी, परंतु समझ में आएगा। आपने जीवन भर कितना मल और मूत्र त्यागा हुआ है, त्यागा है ना? प्रकृति ने आपको क्या दिया? प्रकृति ने आपको अच्छे फल दिए, प्रकृति ने आपको अच्छा अन्न दिया, आपने क्या किया? आपने तो सब कुछ अच्छा पाया और मल मूत्र त्याग करके प्रकृति को बुरा कर दिया। आप क्या प्रकृति के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल हैं क्या? आप क्या उनका भी भला किया क्या? प्रकृति का भी भला किया क्या? हमें यही जानना है, ये मानव जीवन मिला है ना, हमें यही जानना है कि हम चाह भी लें तभी शुद्धता से जीवन नहीं जी सकते हैं। कृष्णा से दूर रह करके हम प्रसन्नता पूर्वक अच्छे से जीवन जीना चाहें, अपराध मुक्त जीवन जीना चाहें, तो नहीं जी सकते। हम यहाँ पे अपराध कर रहे हैं, हम सभी अपराध कर रहे हैं। और हम देवी देवता को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। तो जब हमारा सारा प्रयास असफल हो जाए, या फिर देखिए, ये दर्द का मार्ग है, हम हमेशा हम लोग जानते हैं दो प्रकार का मार्ग होता है, एक दर्द का, दूसरा प्रेम का। ये दर्द का मार्ग, दर्द के मार्ग में क्या होता है कि हमें दर्द मिलता है। तो जब हम सारे रूप से अपने आप असफल पाए कि हम कुछ भी अच्छे से नहीं कर रहे, तो हम कृपा मांगते हैं, हम क्षमा याचना करते हैं, हम भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं गलती होगी। या तो जब मालूम चल जाएगी गलत कर दिया तो मांग लेंगे। दूसरा तरीका यह होता है कि हम इस बात को समझ जाए, गुरु हमें बता रहे हैं ना, हमें ये समझ में आ रहा है ना कि हाँ ये गलत है, समझ में आ रहा है ना, तो अब हम गलती को स्वीकार करें। ये हो गया प्रेम का मार्ग। गुरु ने प्रेम से हमें ये बताया, हमने प्रेम को स्वीकार कर लिया और हम प्रेम के मार्ग पे चल दिए। तो हमारे पास दो मार्ग है, प्रेम का और दर्द का। जो देवी देवता की भक्ति करते हैं, अब बताइए, आप तो हमेशा कष्ट 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 वाला मार्ग चुनते हैं। आप सोचते हैं देवी देवता की आरती कर दें तो देवी देवता का मान हो गया, परंतु ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है, वो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो आपको कष्ट नहीं देते, परंतु आप सभी ने, मैंने पहले भी ये एग्जांपल दिया, वो सभी ने, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं देखा होगा या नहीं सुना होगा कि किसी देवी देवता की भक्ति में कोई ना कोई गड़बड़ कर दिया है? बहुत लोग संकल्प से कोई पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, और उस संकल्प में थोड़ा सा कमी रख दिया तो देवी देवता अप्रसन्न हो जाते हैं, प्रकट होता है। सबने अनुभव किया होगा, कुछ ना कुछ देवी देवता अप्रसन्न हो जाएंगे तो प्रकट होता है, है ना? देखा है ना? घर में कुछ विपरीत हो गया, कुछ उल्टा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमने मन्नत मांगी थी, मन्नत के वापस गए नहीं, घर में उल्टा हो गया है? ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा भी हुआ होगा
कि आपने छोटी सी पूजा रखी होगी, पूजा में आपने शुद्धता से कुछ नहीं चढ़ाया और देखिए सब बुरा हो गया, सब अच्छा करने गए थे सब बुरा हो गया। हुआ है? परंतु कृष्णा के साथ कभी हुआ है? क्यों नहीं हुआ? कृष्णा कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं, कृष्णा ने तो भगवत गीता में साफ साफ बताया हुआ। क्या बताया हुआ? कि देवी देवता को तुष्ट करोगे, देवी देवता को प्रसन्न करोगे तो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु ये गलत तरीका है, मूर्ख लोग करते हैं। डायरेक्टली मुझे प्रसन्न करो, डायरेक्ट मेरी प्रसन्नता के लिए काम करो। तो जब हमें ये समझ में आ जाए ये गड़बड़ हो गया, तो हमें क्या करना है? हमें कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। देखिए पहले का जमाना हुआ करता था कि उनमें शुद्धता हुआ करती थी, तो सभी देवी देवता को प्रसन्न करने के बाद फिर फाइनली कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता था, है ना। जिस प्रकार से हम लोग कभी भक्ति करें तो पहले हम गुरु को जानते हैं, उससे ही पहले जानना है। पहले हम वैष्णव को जानते हैं, फिर गुरु को जानते हैं, फिर कृष्णा को जानते हैं। और गुरु की कृपा के बिना हम कृष्णा को नहीं जानते। ठीक उसी तरीके से पहले लोग क्या करते थे? देवी देवता की भक्ति करके कृष्णा की भक्ति करना चाहते, लक्ष्य एक ही रहता था, कृष्णा की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना। परंतु बहुत लोग इस रास्ते में फिर डगमगा गए और सोचते हैं कि देवी देवता की भक्ति कर ले बस यही बहुत। बहुत लोग है ना घूमने जाते हैं, बहुत लोगों को डेस्टिनेशन से ज्यादा अच्छा बीच का जर्नी लगने लग जाता है। रास्ता ही बहुत सुंदर है, कितना सुंदर रास्ता है, तो फिर रास्ते को ही डेस्टिनेशन बना लीजिए ना, जो लक्ष्य है वो रास्ते को ही बना लीजिए। ये तो गलत बात है, बहुत लोग इस प्रकार से करने लग जाते हैं, रास्ते में ही रुक जाते। हम रास्ते में रुकने के लिए नहीं है। कोई अगर किसी तरीके से रास्ते में रुक भी जाए और सोचे कि हम तो रास्ते में ही रुक जाते हैं, परंतु रास्ते में रुक करके क्या लाभ है? रास्ते में रुक करके क्या लाभ है? अगर आप अपने लक्ष्य से ही दूर हो गए तो क्या लाभ? जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारा अस्तित्व क्या है? हम क्यों हैं? अगर ये लक्ष्य से ही दूर हो गए हैं और कुछ भी मिल जाए तो क्या लाभ है? अक्सर ऐसा होता है, हैं? भरत महाराज आप लोगों ने तो देखा हुआ है, भरत महाराज गए थे और वो भी शुद्ध भक्त, परंतु उन्होंने एक्टिंग ऐसी की कि वो निर्धारित कर्तव्य का त्याग करके गए, इस प्रकार से एक्टिंग की। तो जब सब कुछ त्याग दिए, लक्ष्य क्या था? भगवान को प्राप्त करना। और रास्ता क्या मिल गया? एक हिरन, एक हिरन और उसका बच्चा। तो फिर हिरन के बच्चे को बचाने के लिए और उसका लालन पालन के लिए लक्ष्य से ही विमुख हो गए, भगवान की भक्ति करना वही भूल गए। हिरन 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 दिमाग में दौड़ता था, अगले जन्म में हिरन, लक्ष्य से विमुख होइएगा तो क्या हो? भटक जाइए। इसीलिए जरूरत क्या है कि आज्ञा अनुसार पालन कीजिए, नहीं तो क्या होगा, हम ऐसे ही भटक जाएंगे, ऐसे ही भटक जाएंगे, बीच रास्ते में कहीं भटक जाए। ठीक है, क्योंकि हम किसी को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, हम किसी को, हम कृष्णा को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। लिख के ले लीजिए, कोई कितना भी समझदार हो कृष्णा को प्रसन्न करना चाहे नहीं कर सकता। वो कृष्णा को मात्र इस कारण से प्रसन्न कर पाता है क्योंकि गुरु ने उस पर कृपा की है। हम कृष्णा के बारे में उतना ही जानते हैं जितना कृष्णा ने बताया, जितना गुरु ने बताया,
जितना शास्त्रों ने बताया, हमको कृष्णा के बारे में कहां से कुछ पता चलने लग गया। और एक और, हमको कृष्णा के बारे में उतना भी पता होता है जितना कृष्णा रेसिप्रोकेट करता है। हर बार असंभव करके दिखा देंगे तो आपको क्या होगा, अनुभूतियां होने लग जाएगी, एक्सपीरियंसेस होने लग जाएंगे। परंतु वो कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं होगा, मानसिक चिंतन नहीं होगा, कृष्णा करके दिखा रहे हैं। तो परंतु सभी के हृदय में कृष्णा प्रकाशित करते हैं, जैसे कृष्णा भगवत गीता में प्रॉमिस करते हैं कि मैं मार्ग प्रशस्त करता हूं कि आप किस मार्ग से मुझ तक आ सके। तो कृष्णा आपको मार्ग बता रहे हैं, मुझे बस एक बात बताइए, क्या आप स्वीकार कर रहे हैं? कृष्णा ने आपको मार्ग बताया, क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट मार्ग, अपना अपना मार्ग बनाना चाहते हैं? आप समझिए, अगर हम गुरु से श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, गुरु ने बोला कृष्णा की भक्ति करो, हम क्या बोलते हैं, हम कृष्णा की भक्ति करते हैं पर हम ये भी करते हैं। अगर कोई इस प्रकार से करे, गुरु ने आज्ञा दिया क्या? नहीं। क्या आप उनसे श्रेष्ठ बनना चाहते हैं? हाँ। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई गुरु से श्रेष्ठ बनना चाहे, वो एक्चुअली में शब्द यूज होता है गुरु द्रोही, तो वो बहुत बड़ा चीटर होता है। सबसे पहला चीटिंग वो अपने आप से करता है, दूसरे के साथ क्या कर रहा है छोड़ दीजिए। तो कृष्णा ने हमें क्या बताया, चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या बताया, हरे कृष्णा महामंत्र जपो। हमसे कोई यज्ञ नहीं हो पाएगा, हम किसी देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते। अब कृष्णा ने हमें रास्ता बताया, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो ना। हाँ, कली संतरना उपनिषद में एकदम क्लियरली मेंशन, इस कली काल में हमसे कोई भी यज्ञ तपस्या कुछ नहीं होता, परंतु ये कली काल बहुत ही कृपालु है। कृपालु क्यों है कि हम हरे कृष्णा महामंत्र जपें तो कृष्णा तक जा सकते, परंतु कैसे, वो भी आज्ञा अनुसार। तो हम बुद्धि लगाएंगे, आज ही हम लोग 5 PM पे जान रहे थे कि अक्सर हम लोग देख रहे हैं बौद्धिक स्तर, बुद्धि का स्तर। तो समझिए, आज फिर एक्चुअली में श्रील प्रभुपाद ने आंसर भी किया था जब हम लोग जान रहे थे ना, तो इस बीच में श्रील प्रभुपाद ने आंसर भी किया है क्या कि हम लोग बुद्धि के स्तर से बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, धीरे 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 जान भी लेंगे, परंतु जब बुद्धि के स्तर में भी सबसे ऊंची वाली स्तर पे चले जाएं, तो हम बुद्धि का उपयोग करना बंद कर देंगे। कल जैसा हम लोगों ने देखा था, शायद 10 बजे बाद थोड़ा सा लेट हो गया, तो एग्जांपल क्लास के अंदर शायद नहीं हुआ था, जिनने मिस कर दिया वो आज भी 10 बजे बाद बोल दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूँ, किन्हीं ने भी मिस किया या फिर वीडियो देख सकते। तो वो एग्जांपल ये था कि अगर माता बौद्धिक स्तर से अपने नन्हे पुत्र को पालन करे तो करेगी नहीं, क्योंकि वो नन्ना पुत्र जो है वो तो मलमूत्र त्यागता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है और दूध पीते रहता है। दूध पिलाने में भी कष्ट होता है, हाँ वो आनंद भी आता है वो अलग है, आनंद इसलिए क्योंकि माँ अपना मातृत्व दिखाती है, प्रेम वर्षा करती है, वो अलग है, परंतु कष्ट तो है। तो अगर बौद्धिक स्तर से देखिएगा तो प्रेम समझ में ही नहीं है, तो हाईएस्ट लेवल पे जाइएगा, जब प्रेम के स्तर पे जाइएगा तो बुद्धि का प्रयोग समाप्त हो जाएगा। परंतु लोअर लेवल पे भी, बौद्धिक स्तर पे भी हम ये बात समझ सकते हैं कि हम देवी देवता की पूर्ण रूप से पूजा नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे। आप सोच के देखिए, हम थोड़ा सा कमी रख देते हैं कोई यज्ञ अनुष्ठान में, थोड़ा सा भी, तो देवी देवता अप्रसन्न हो जाते हैं और वो दिखा देते हैं कि तुमने ये कमी किया, ये कमी किया,
हम डेली डेली आरती के समय से करते हैं क्या? एकदम निश्चित समय से करते हैं, सूर्य अस्त होने के इतना देर बाद, सूर्य अस्त होने से इतना देर पहले करते हैं क्या? निश्चित समय पे करते हैं क्या? होना चाहिए निश्चित समय पे। क्या निश्चित समय पे डेली उठा देते हैं? बताइए, होना चाहिए, निश्चित समय पे ही उठाना चाहिए, एकदम निश्चित समय पे, सूर्योदय होने से 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले डेली उठना चाहिए। कभी 2 दिन भी ऐसा किया है क्या है? कि एक निश्चित समय पे उठाया, एक निश्चित समय पे सुलाया है, सूर्यास्त सूर्योदय देख करके उठाया या सुलाया किया है क्या हमने? समझिए ये सब क्या है, ये सब क्या हम उनकी सेवा कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है आपको है? सेवा हो रही है देवी देवता की, हम कृष्णा को भी स्थापित करते हैं तो कृष्णा की भी सेवा कर रहे हैं क्या हम है? कृष्णा की भी सेवा कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे सेवा। कृष्णा ऑफेंस नहीं लेते, कृष्णा जानते हैं कि मूर्ख पुत्र है ना, भौतिकता में लिप्त है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। परंतु देवी देवता ऑफेंस लेते हैं, लेते हैं ऑफेंस, वो बहुत बार नहीं एक्ट करते, परंतु आप ऑफेंड कर रहे हैं, आप कष्ट दे रहे हैं। कृष्णा ऑफेंस इसलिए नहीं लेते, अगर आप कृष्णा की भक्ति करते रहे। बोले कृष्णा क्यों नहीं ऑफेंस लेते? हमारे देवी देवता तो ऑफेंस लेते हैं, तो कृष्णा को भी ऑफेंस लेना चाहिए। हमारे देवी देवता रुष्ट होते हैं तो कृष्णा भी रुष्ट होते होंगे। आप बोलते हो कृष्णा की भक्ति कर लीजिए, हैं? कृष्णा भी तो दुखी ही होते होंगे अगर समय से नहीं करें तो। कृष्णा बोलते हैं जो मेरे शरणागत हो जाता है मैं समस्त पापों से मुक्ति देता हूं, समस्त पापों से, उन पापों से नहीं जिन पापों के लिए उनने भक्ति की हो। कृष्णा बोलते हैं समस्त पापों से मुक्ति देता हूं। तो कोई पाप कर्म भी कर रहा है परंतु समर्पित हो जा रहा है तो कृष्णा मुक्ति पाप से मुक्ति दे देंगे। तो कृष्णा हमारी स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं और कृष्णा हमें कभी रिजेक्ट नहीं करते, ठीक है? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि समर्पित भाव से भगवान की भक्ति करें, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हम ऑफेंस ही करते रहेंगे, हम करते रहेंगे। कोई मुझे, कोई भी मुझे ये ऑफेंस रोक करके दिखा दे, ये ऑफेंसेस रोक करके दिखा दे। देखिए, समझिए, यहाँ पे कैच है। कैच क्या है कि मानव शरीर है ना, मानव शरीर है, इम्परफेक्ट सेंसेस है। आप मानव शरीर में है ना तो इम्परफेक्ट सेंसेस है, और इम्परफेक्ट सेंसेस है तो शुद्धता से कोई भी काम कर कैसे सकते? कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। मानव शरीर लेकर के, इम्परफेक्ट सेंस लेकर के आप शुद्धता से कोई कार्य कभी कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए कभी भी देवी देवता की भक्ति करें तो ये भक्ति भक्ति नहीं होती, ये ऑफेंस होता। और इसीलिए बड़े सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे तो साफ साफ शिव जी का अपमान कर रहे हैं। देखिए, दो बार यज्ञ हुआ। पहली बार यज्ञ हुआ उस समय सारा कुछ बुरा हुआ था, श्राप श्राप हुआ है ना, ठीक है, याद है? अब दूसरी बार फिर से यज्ञ हो रहा है, ठीक है, और अब शिव जी को नहीं बुलाया जा रहा है। ओके, चलिए दूसरा यज्ञ में देखते हैं क्या क्या होता है। कौन रीड करेंगे? अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। ब्रह्मा ने जब दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो दक्ष गर्व से फूल उठा। तात्पर्य, यद्यपि दक्ष शिवजी के प्रति ईर्षा द्वेष तथा शत्रुभाव से पूर्ण था, तथापि उसे समस्त प्रजापतियों का अधीक्षक नियुक्त कर दिया गया, इससे उसको अतीव गर्व हो गया।
जब मनुष्य को अपनी भौतिक संपदा पर गर्व हो जाता है तो वह कोई भी आपदाजनक कार्य कर सकता है। अतः दक्ष ने झूठी प्रतिष्ठा के बल पर कार्य किया, इस अध्याय में इसी का वर्णन है। हरे कृष्ण। तो देखिए क्या है, इस बात को समझना है। दक्ष यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप इसको इसी तरीके से समझ। दक्ष यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दक्ष यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं। अब क्या वो दिखा रहे हैं कि ईर्षा, काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार होते हैं। ये क्रोध कर रहे हैं और ईर्षा भाव रख रहे हैं, द्वेष रख रहे हैं। अब स्थिति कैसी है, जो भी द्वेष करता हो तो वो कैसा, वो आसुरी भाव में लग जाता है। तो वो ब्रह्मा के पुत्र तो हैं, नारद मुनि के भाई तो हैं, परंतु ये सब के होते हुए वो एक्टिंग कैसे कर रहे हैं, वो एक्टिंग ऐसी कर रहे हैं कि विलन। नेगेटिव कैरेक्टर है ना, उस तरीके की एक्टिंग कर रहे हैं। क्यों, उस प्रकार के गुण में स्थित है ना? अच्छा, अब देखिए होता कैसा है, असुर को, क्योंकि आसुरी गुण में स्थित है, ये असुर नहीं है, इनफैक्ट ये तो शुद्ध है, ठीक है, वो कृष्णा की भक्ति कर शुद्ध, परंतु वो एक्टिंग ऐसा कर, ठीक, चल वापस। असुर को, कोई भी असुर हो, उसको शक्ति प्रदान कर दीजिए, सब बर्बाद हो जाएगा। दक्ष के साथ भी वही, दक्ष प्रजापति के साथ भी वही, आसुरी गुण में स्थित हो गया और अब उनको शक्ति भी प्रदान कर दी, क्या प्रजापतियों का अधीक्षक चुन लिया, अब तो अहंकार में और सिद्ध हो जाएंगे, मदमस्त हाथी। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दक्ष ने वाजपेयी नामक यज्ञ प्रारंभ किया और उसे अत्यधिक विश्वास था कि ब्रह्मा जी का समर्थन तो प्राप्त होगा ही। तब उसने एक अन्य महान यज्ञ किया जिसे बृहस्पति सब कहते हैं। तात्पर्य, वेदों में संस्तुति की गई है कि बृहस्पति सब नामक यज्ञ करने के पूर्व वाजपेयी यज्ञ संपन्न होना चाहिए, किंतु दक्ष ने इन यज्ञों को करते समय शिव जैसे महान भक्तों की उपेक्षा की। वैदिक शास्त्रों के अनुसार देवता यज्ञ में सम्मिलित होने तथा आहुति में भाग लेने के अधिकारी हैं, किंतु दक्ष उनकी उपेक्षा करना चाह रहा था। सभी यज्ञों का अभिष्ट भगवान विष्णु को तुष्ट करना होता है, किंतु विष्णु में उनके सभी भक्त आ जाते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता भगवान विष्णु के आज्ञाकारी दास हैं, अतः इनके बिना विष्णु कभी संतुष्ट नहीं होते। किंतु दक्ष को अपने पद का घमंड हो गया था, अतः वह ब्रह्मा तथा शिव को इस यज्ञ से यह सोचकर वंचित रखना चाह रहा था कि यदि कोई विष्णु को प्रसन्न कर ले तो फिर उनके अनुयायियों को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु विधान ऐसा नहीं है, विष्णु चाहते हैं कि पहले उनके अनुयायी तुष्ट हों। भगवान कृष्ण ने कहा है, मत भक्त पूज्याभ दिक्का, पूजा भया दिखा, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से शिव पुराण में कहा गया है कि पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि विष्णु को आहुति प्रदान करना है, किंतु इससे भी श्रेष्ठ है कृष्ण के भक्तों की पूजा करना। इस प्रकार यज्ञों में शिव की उपेक्षा करना समुचित न था। हरे कृष्ण। तो देखिए दक्ष प्रजापति क्या सोच रहे थे कि ये पहले जो बताया कि सभी देवी देवता को तुष्ट करना होगा, वो यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ, इस लाइन में लिखा हुआ है कि सभी देवी देवता को है ना तुष्ट करना होगा, अगर कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी तप कर रहे हैं,
हम किसी किसी देवी देवता की पूजा करें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं, सभी को करना है ना। अधिकारी है, अधिकारी ये नहीं लिखा हुआ है कि हो भी सकता है, कर भी सकते हैं, इच्छा हो तो कर दें। शिव जी का नहीं किया है, कोई देवी देवता की भक्ति कर रहा हूं, शिव जी की भक्ति नहीं कर रहा, बताइए क्या वो एक्सेप्टेबल हो सकता है? ठीक इसी प्रकार से बाकी जिनको भी कृष्णा ने कोई भी पोजीशन दिया हो, अगर उनका अपमान नहीं कर रहे हैं तो आप अपराध कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बड़ा विभत्स कार्य करते हैं, बहुत ही घटिया काम करते हैं। क्या कृष्णा की भक्ति करते हैं तो सोचते हैं कि हम देवी देवता का अपमान भी कर सकते हैं, और देवी देवता का अपमान करने के लिए क्या करना है शुरू कर देते हैं। बड़ा सरल तरीका होता है क्या, अरे देवी देवता की भक्ति करते हो मूर्ख, कृष्णा ने बोला है मूर्ख लोग देवी देवता की भक्ति करते हैं, तुम मूर्ख हो। कृष्णा ने ऐसा नहीं बोला, कृष्णा ने ऐसा नहीं बोला, कृष्णा ने ये बिल्कुल बोला है कि अल्पज्ञानी व्यक्ति देवी देवता की भक्ति करते, परंतु कृष्णा ने यह भी बोला है कि जिस प्रकार की वृत्ति होती है उस प्रकार का कार्य करते हैं। कोई तमोगुण में स्थित होगा तो वो देवी देवता की भक्ति करेगा। जैसे हम लोग जाने तमोगुणी के, तमोगुण के स्वामी कौन है, देवी माँ या फिर शिव जी, उनकी भक्ति करेगा, कोई गलत नहीं है। परंतु होना कैसा चाहिए कि अगर कोई कृष्णा की भक्ति कर रहा है, कोई कृष्णा की भक्ति कर रहा है तो देवी देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते, अपने आप प्रसन्न हो जाते। परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि हम देवी देवता का अनादर करें, हमको किसी भी देवी देवता का अनादर नहीं करना, कभी भी नहीं करना। इनफैक्ट कृष्णा तो उल्टा बोलते हैं, जैसा लिखा हुआ है कि मेरे भक्तों की पूजा मेरे से श्रेष्ठ है। परंतु हम में क्या मलिनता है कि हम कभी देवी देवता की भक्ति में लग जाते हैं ना, तो हम उनसे लाभ पाना चाहते, सारी गंदगी यहां पे आ गई, सारी गंदगी यहां पे आ गई। इससे पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था, हम देवी देवता की भक्ति करते हैं तो क्या चाहते हैं, हमको कोई लाभ मिले। कोई कितना भी प्रयास कर ले, देवी देवता की भक्ति करता है तो उसका बहुत सरल मार्ग मिल जाता है कि वो कोई ना कोई लाभ पा ले। अब प्रॉब्लम क्या होता है, कष्ट कहां पे, ये देखिए ये हृदय है जो आज हम लोग पढ़े उसका हृदय, कष्ट कहां पे, कष्ट यहां पे है कि अगर कोई अपनी बुद्धि अनुसार, बौद्धिक स्तर पर बुद्धि अनुसार कोई लाभ पाना चाहता हो तो कोई भी लाभ बौद्धिक स्तर पे ही तो पा सकता है ना। अगर सपोज कीजिए मैं आपको बोलूं कि आप अपना बेस्ट बताइए आपको क्या चाहिए, तो आप तो वही मांग सकते हैं जो आपकी बुद्धि अनुसार हो। बौद्धिक स्तर पे हमें आध्यात्मिक अनुभूति के बारे में क्या मालूम है, हमें कृष्णा प्रेम कहां से मालूम, गुरु ने बताया तो पता है नहीं। तो अगर बौद्धिक स्तर पर रहे तो लोग क्या मांगेंगे, हमको अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा रहने को मिल जाए, अच्छा जाने को मिल जाए, अच्छा पहनने को मिल जाए, यही मांगेंगे और क्या मांगेंगे। ध्रुव महाराज ने बताया कि ये मांगना तो बड़ा मूर्खता है, ये तो कृष्णा से कांच के टुकड़े जैसा मांगना हो गया, ये क्या मांग रहे हैं। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें भगवान चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, और ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये भगवान की भक्ति करके पता चलेगा, ये गुरु का आदेश प्राप्त करके पता चलेगा, है ना। तो इस बात को समझना पड़ेगा क्या, कि भगवान अपनी भक्ति से ज्यादा अपने भक्तों की पूजा से संतुष्ट होते हैं, परंतु हम देवी देवता की पूजा करने लग जाएंगे तो हम फंस जाएंगे,
तो हमको कैसे जाना है? हमको गुरु गुरु के थ्रू हमको कृष्णा तक जाना है, तो हम कृष्णा तक चले, है ना? क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्टली कृष्णा तक जाने का कोशिश करेंगे तो कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे, है ना? यस, इनफैक्ट यही कारण होता है कि बहुत संप्रदाय में श्रीमती राधा रानी महारानी का नाम डायरेक्टली लिया जाता है, क्योंकि दो दो कारण होता है। पहला कारण ये कि श्रीमती राधा रानी महारानी ही टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी है तो उनका नाम लिया। दूसरा कारण ये होता है कि अगर हमको कृष्णा चाहिए है? बोलते भी हैं और मैं वो मुख से बोल भी नहीं सकता, श्याम मिला दे, समझ लीजिए, तो इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि हम कोई उन्हें आदेश थोड़ी ना दे सकते हैं। कोई टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी है, बोल मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो, हम क्या उन्हें दास समझ लिए? चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं, ठीक है, जिन संप्रदाय में होता है उन संप्रदाय में करने दीजिए, ठीक है, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने नहीं बोला, हमारे गुरु ने नहीं बोला, हम अपने गुरु के आज्ञा अनुसार चलेंगे, इसीलिए बार बार बोलते हैं गुरु के आज्ञा अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो दूसरा कारण ये होता है कि लोग सोचते हैं कि भगवान से मिल जाएंगे, परंतु इस प्रकार से हम टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी, हाईएस्ट पर्सनैलिटी श्रीमती राधा रानी महारानी का नाम अगर अपने फल के लिए लेने लगे तो ठीक नहीं होगा। फिर से हम बौद्धिक स्तर पे, जैसे देवी देवता से तो नहीं मांग रहे, अब भगवान के पास जाकर के, अब भगवान की अलादनी शक्ति टॉप मोस्ट उनके पास जाकर के हम वही वही कार्य करने लग जाए तो ठीक नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें गुरु की आज्ञा अनुसार चलना, जो हमें गुरु बताएं हमको उस अनुसार चलना, उसी लिए बार बार बोलते हैं जिसको जिस संप्रदाय में कार्य करना है वो करते रहे, परंतु हमको तो हमको अपने गुरु अनुसार चलना, हमको किसी और के अनुसार नहीं चलना, ठीक है? बाकी लोग अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, वो उस अनुसार चल रहे, और इसीलिए बोलते हैं हम कभी गुरु से श्रेष्ठ नहीं हो सकते, उनसे श्रेष्ठ होने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, कोई अवधारणा नहीं रहनी चाहिए। तो गुरु हमें जो ज्ञान दे उस अनुसार चलना, ठीक है? आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अगर किन्हीं को कोई जिज्ञासा रहे तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है? आई नो कुछ कुछ कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक्स पे टच कर दिए, बहुत ज्यादा बोले वो उचित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मेरे को बोलने में, कोई दिक्कत नहीं, परंतु मेरा लक्ष्य कभी ये नहीं है कि मैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को टच करूं। मेरा लक्ष्य ये है कि आप आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। आप देवी देवता की भक्ति नहीं कर पाइएगा, आप टॉप मोस्ट पर्सनालिटी का नाम लेकर के भक्ति नहीं कर पाइए, नहीं कर पाइए, ठीक है? अगर दूसरे संप्रदाय में किसी और तरीके से, किसी और विधि से चलते हो तो चलने, क्योंकि हम तो जानते हैं कृष्ण बोलते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है, शुद्धतम भक्त है श्रीमती राधा रानी महारानी, और उनके प्रति ऑफेंस अगर हम कर दिए, अगर हम अपराध कर दिए, अगर हम भौतिकता में लिप्त हैं तो अपराध करते ही रहते हैं। अगर हम श्रीमती राधा रानी महारानी का नाम ले लिया और हमने हृदय पवित्र नहीं रखा तो ये ऑफेंस है, और अगर कृष्णा ने ऑफेंस ले लिया तो हम भक्ति करेंगे कैसे? हम कभी भी जीवन में भक्ति कैसे करेंगे? क्योंकि शुद्ध भक्तों का चिंतन कृष्णा के हृदय में होता है, टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी का कृष्णा के हृदय में सबसे बड़ा पेन दे दिया हम, अब भक्ति कैसे करेंगे? समझिए इस बात को, बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो कृष्णा ने इस प्रकार की स्थिति बनाई है, चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार का रास्ता हमें दिखा दिया, श्रील प्रभुपाद ने हम पे बहुत कृपा की है, हम लोग बस उस मार्ग पे चलते रहे, बस बस यही बहुत है, बस वही चल रहे, और कुछ हमें नहीं चाहिए।
चलिए, जिनकी नहीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना वो हैंड रेज कर सकते हैं। जिज्ञासा जो भी पूछनी हो पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हंसा माता जी आपने रीड नहीं किया ना, हरे कृष्ण आप कीजिए। हरे कृष्ण, अनम्यूट नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण, फिर से म्यूट कर दिया, गलती से हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, वंचा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रसादी। जय 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 श्रीमद् भागवतम की जय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, इन्हीं की कोई भी कैसी भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए। कोई मतलब ये मत रखिए, बस एक एक रिक्वेस्ट है, द्वेष मत कीजिए। जो पूछना है, किन्हीं और की भी कोई जिज्ञासा हो, अड़ोसी पड़ोसी की, उनकी भी पूछना चाहे, बिल्कुल बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, मैं नहीं रोक रहा। यस, पूछिए, परंतु द्वेष बस मत कीजिए। जो पूछना पूछिए, पूछिए। यस, नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं है। मैंने कोशिश तो किया कि मतलब हर एस्पेक्ट को ले लो, परंतु देखिए बहुत सारी ग्रंथियां है ना, बहुत सारी गांठें बंधी हुई होगी, उन गांठों को खोलिए, जो पूछना है पूछ लीजिए, ठीक है। उसको पूछेगा तभी जाकर के आंसर होगा, नहीं तो क्या होगा, डाउट रहेगा, डाउट की स्थिति में भक्ति नहीं होगी। जब डाउट्स होंगे तो भक्ति नहीं होगी, डाउट फ्री होगा तब जिज्ञासा तब तब भक्ति होगी। यस, तो कोई जिज्ञासा नहीं है पक्का। हरे कृष्ण, चैट में भी लिख सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, कीजिए कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण, एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मेरे दिमाग में, परंतु आप लोग नहीं पूछेंगे तो मैं आंसर नहीं करूंगा। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसका आंसर बड़ा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा डिफिकल्ट है। परंतु वो भी आंसर तो तभी करेंगे जब पूछेगा, नहीं पूछेगा तो देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जो बताया उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो फिर कहाँ कोई दिक्कत। जो बताया उसमें प्रॉब्लम है कि हाँ प्रभु जी यहाँ पे कष्ट आ रहा है, यहाँ पे दिक्कत है, ये प्रॉब्लम, ये कष्ट है, उसका आंसर करेंगे। अगर कष्ट ही नहीं है
जो बोला उसमें कष्ट ही नहीं है तो फिर किस चीज का आंसर देंगे? आपको कष्ट अनुभव होना चाहिए ना। देखिए हम लोगों को शुद्धता से आज्ञा पालन करने का प्रयास करना है। अगर आज्ञा पालन में कष्ट हो रहा है तब तो आंसर करेंगे, बोले आज्ञा पालन में कष्ट ही नहीं हो तो ठीक है आज्ञा पालन कर लीजिए, नहीं हो रहा ना कोई कष्ट। हरे कृष्णा, यस, कोई कष्ट नहीं है। कोई भी किसी के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, सारे कष्टों का, सारे जिज्ञासाओं का उत्तर मिल चुका है। चला करके मैंने एक क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं किया। बाकी छोटे छोटे कष्टों में वो अलग है, चलिए कोई बात नहीं, जिज्ञासा नहीं पूछेगा तो आंसर नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे। बस इतना ही है कि आज्ञा पालन कर लीजिए, बोला गया आज्ञा पालन कर लीजिए। चलिए तो फिर कीर्तन सुनेंगे। बस एक मिनट रुक जाइए, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो बीच में पूछ लीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि पूछ लिया जाए, परंतु मैं आंसर भी तभी करूंगा जब आप लोग पूछेंगे, ऐसे आंसर। कुछ आया है, एक मिनट रुक जाइए मैं देखता हूँ। हरे कृष्णा गुरु जी, कोई फैमिली कर्म कांड को ही भक्ति समझे तो कर्म कांड ही करता रहे तो उनके कैसे समझा जा सकता है? माता जी देखिए, समझाया जा सकता है, परंतु कब? जब वो द्वेष नहीं करे। अगर कोई भी आकर के बोले कि द्वेष नहीं करना, मेरे से कनेक्ट करा दीजिए, आप कॉन कॉल पे ले लीजिए, सामने रह जाइए, मैं शास्त्र के अनुसार बताऊंगा। आप शास्त्र निकाल निकाल करके दिखाने बोलिएगा, मैं शास्त्र दिखाऊंगा, भगवद गीता में ये बोला हुआ, श्रीमद भागवत में ये बोला हुआ, यहाँ पे ये बोला हुआ है, आप इन बातों को काट सकते हैं क्या? आप इन बातों को काट सकते हैं क्या? भगवद गीता झूठी है? अगर कोई बस इतना मान ले कि भगवत गीता श्रीमद् भागवतम गलत नहीं है, ठीक है, तो फिर मेरे पास तो बहुत सारा है। इनफैक्ट अगर कोई भगवत गीता को ही गलत नहीं मान ले, भगवत गीता से ही बता सकते, भगवत गीता से ही सारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। परंतु कोई द्वेष नहीं करे, बोले भगवत गीता सही है ना, बोले हाँ भगवत गीता सही है, आज ही कृष्ण ने सभी कारणों का कारण बता दिया। कृष्ण ने बता दिया कि मैं ही उत्पत्ति करता, मैं ही अंत विनाश करता हूं, विश्व रूप में बताया, कैसे बता दिया? तो सरल उत्तर तो यह है कि अगर किसी को सच में ऐसा है तो अगर द्वेष नहीं करते हो तो उनके लिए आसान रास्ता कि आप आ जाइए सुनिए। उससे भी आसान रास्ता ये है कि आपने मेरे में बदलाव देखा है, ये बदलाव भगवत गीता के कारण है, ये बदलाव श्रीमद् भागवतम के कारण है। तो ऐसा तो है नहीं, समझिए। अगर सपोज कीजिए कि दवाई झूठा हो तो उससे एक दिन असर गड़बड़ हो, एक दिन मतलब प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं ना उसे, एक दिन प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है जी। आप लोगों को मालूम प्लेसिबो इफेक्ट? तो ऐसा ऐसा थ्योरी है कि सपोज कीजिए, सही है वो, कोई गलत नहीं है। सपोज कीजिए कि अगर सपोज कीजिए कि आप बीमार हैं और किसी ने बोल दिया, किसी ने बता दिया कि श्री राम खंडेलवाल है ना, ये तो बहुत बड़े बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर है, और आपको लेकर के आ गए। आपको क्या थी? आपको खांसी थी, और मैंने क्या किया, मैंने आपको चीनी की गोलियां, होम्योपैथी वाली गोली होती है ना, उसमें चीनी की गोली होती है, तो मैंने क्या किया, वो होम्योपैथी वाली गोली बिना उसमें कोई केमिकल डाले हुए
कोई केमिकल नहीं है, चौक पाउडर समझ लीजिए, चीनी की गोली समझ लीजिए, मैंने आपको दे दी और आपने क्या किया, आपने उसे श्रद्धा पूर्वक खा लिया। होता कैसा है कि जब ऐसा कोई खा ले परंतु श्रद्धा पूर्वक खाए तो क्या होगा कि उसमें बदलाव आ जाए। दवाई में कोई असर नहीं था परंतु उसके हृदय में इस प्रकार की अनुभूति हुई। श्री राम खंडेलवाल तो पहुंचे हुए डॉक्टर है, बहुत बच्चे भी होते हैं है? उन बच्चों में एक ये भी है कि कभी क्या होता है कि कभी कोई बीमारी हुई ना, दवाई लिए, दवाई लेने के बाद 2 मिनट के अंदर आपने देखा होगा है? देखा है कि नहीं देखा बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। 2 मिनट के अंदर दवाई लिया नहीं है, दवाई लेने के 2 मिनट बाद असर हो रहा है क्या, ठीक हो रहा है क्या, पेट दर्द मेरा कम हुआ क्या, अचानक से ठीक लग रहा है ना, अच्छा हुआ ना, कुछ तो अच्छा लग रहा है ना है? ऐसा देख कर बच्चे बहुत करते हैं, उन बच्चों में एक यहाँ पे भी है, है? कुछ तो अच्छा हो रहा है ना, कुछ तो थोड़ा तो हुआ है, थोड़ा तो बदल गया है, अभी लिया था दवाई, 1 ही मिनट में मेरे को असर दिखने लग गया है ना, देखा। हरे कृष्णा, नहीं देखा तो सामने देख लीजिए, कैमरा ऑन है। हरे कृष्णा, तो एक्चुअली में ये होता है परंतु ये 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, 1 महीने होगा, 2 महीने होगा, जीवन भर नहीं होगा। और जीवन के हर कष्ट का समस्या यहां से नहीं समाधान मिल जाएगा। अगर झूठ है तो झूठ 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, हर दिन झूठ थोड़ी ना चल जाएगा, सब दिन झूठ ही चल जा रहा है और सब दिन झूठ से ही आंसर हो जा रहा है, हर दिन तो नहीं चलेगा। अगर इतने लंबे अवधि तक अगर सब में बदलाव दिख रहा है तो उसका अर्थ क्या है, दवाई में असर है। तो आप अपना असर दिखा करके बता सकते हैं और ये बता सकते हैं। एक्चुअली मालूम है क्या, अगर कोई सच में कर्म कांडी मिल जाए ना और कोई बहुत ही अच्छा कर्म कांडी हो तो उनके चंगुल से, सॉरी शब्दों के लिए माफ कीजिए, उनके चंगुल से निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, उनके चंगुल से निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो सही कर रहे हैं, जो कर्मकांडी कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, वो एकदम सही विधि से ही कार्य करवा रहे हैं। अब उनने क्या कर दिया कि वो जो सही विधि से कार्य करा तो रहे हैं पर वो करा रहे हैं आपके शरीर के लिए, आपकी आत्मा के लिए कार्य नहीं करा रहे। और अब आपने क्या देखा, आपके शरीर को आनंद मिलने लग गया, उस कर्मकांडी का आपने बात पालन किया और आपके शरीर को आनंद मिलने लगी। और टीवी पे बहुत सारा ज्योतिष दिखाता है नहीं, कि ये कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा, अगर सच में हो गया तो आप फंस जाइएगा, उसके बाद उससे निकलिएगा कैसे, उसके बाद निकलिएगा कैसे, क्योंकि आपको तो उसी में आनंद आने लग जाएगा, आप तो शरीर रूप में ही अपने आप को देखने लग जाएगा, तो फिर आत्मा के लिए काम कब कीजिएगा, है ना। ये बड़ा कष्ट है कि अगर कोई कर्म कांड में ही स्थिति को मान ले तो उनको निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, परंतु उनको आप लोग तो निकाल सकते हैं, जिनने अपने अंदर बदलाव देखा है वो तो निकाल सकते हैं। इनफैक्ट असलियत तो ये है कि आपने अपने अंदर आध्यात्मिक बदलाव तो देखा ही है, अपने भौतिक प्रकृति का भी बदलाव देखा है ना। हमारा दिमाग में दर्द कम होता है, हमारा जीभ का चटोरापन हमने देखा है कि कम हो गया है ना, भौतिक प्रकृति में, अपने भौतिक प्रकृति में बहुत बदलाव देखा है ना। अब मन बहुत शांत रहता है, अब हम खुश रहते, बहुत ज्यादा दुखी रहते थे, चिल्लाते थे, परेशान रहते थे, अब नहीं रहते। तो जिनने अनुभव किया वो तो बदल सकते हैं, परंतु जिनने अनुभव नहीं किया है उनको इस प्रकार के लोगों को बदलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। फिर हम क्या, फिर हम अलग अलग तरीके से उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कृष्णा प्रसाद से, कृष्णा कीर्तन से,
कृष्णा की वाणी से, आर्यू का कोट्स जो बनाते हैं उससे, और तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अट्रैक्ट होने के बाद किसी दिन आ जाए, जिज्ञासा करें, जिज्ञासा भी करें तब भी आंसर हो जाए, परंतु अगर जिज्ञासा भी नहीं करें तब भी आंसर करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, बड़ा मुश्किल है। कोई फर्मली, मैं फैमिली पढ़ा था सॉरी, कोई फर्मली कर्मकांड को ही भक्ति समझे, कर्मकांड को अगर भक्ति समझेगा तो उनको भक्त तो बदल सकते हैं, गुरु भी बदल सकते हैं समर्पण करे तो, परंतु कोई द्वेष की स्थिति में स्थित है, कोई पहले से ही द्वेष कर रहा है, उनको बदल पाना बड़ा मुश्किल है। कोई पहले से द्वेष कर रहा है, गुरु की आज्ञा का पालन करना नहीं, श्रद्धा है नहीं, अब उनको कौन बदलेगा, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ऑल्दो कृष्णा कोई ना कोई रास्ता प्रशस्त कर देते, आज रास्ता नहीं दिख रहा, कल रास्ता नहीं दिख रहा, प्रसाद पाकर के बदल जाएंगे, कृष्णा का नाम लेकर के बदल जाएंगे, संकीर्तन चलता रहता है वो सुन करके बदल जाएंगे, कुछ ना कुछ करके। परंतु सबसे अच्छा तो यही है कि जो द्वेष नहीं करते रहते हैं उनको बस जोड़ दें, वो धीरे धीरे बदल जाए, धीरे धीरे बदल जाए, ठीक है। नहीं तो बड़ा संघर्ष से जाने वाले, बहुत ही बड़ा संघर्ष। बाई एनी चांस सोच के देखिए, आपके कोई संबंधी जो अभी भक्ति दृढ़ता से नहीं कर, आप उन्हें भगवान के बारे में ज्यादा नहीं बोल रहे, उनमें द्वेष नहीं है, हृदय सॉफ्ट है, कृष्णा की बातों को मान सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं, और आपने उनको कृष्णा के बारे में नहीं बताया। देखिए, आप किसी का भी फाइनली गारंटी नहीं ले सकते कि इसका फाइनल एग्जामिनेशन अगले 6 महीना में, 2 महीना में, 1 महीना में, अगले दिन नहीं आने वाला, किसी का नहीं बोल सकते, किसी का भी नहीं बता सकते कि इसका फाइनल एग्जामिनेशन कब आएगा, नहीं बता सकते। अगर सपोज कीजिए उनका फाइनल एग्जामिनेशन आपकी सोच से पहले आ गया और वो जन्म जन्मांतर अब संघर्ष कर रहे हैं, अब कौन बचाएगा, अब कौन बचाएगा। मेरा फिर से वही बात है, अगर ये सत्य है तो इसको स्वीकार कर लीजिए, और अगर कुछ और सत्य है उसको स्वीकार कर लीजिए, सत्य को स्वीकार कर लीजिए, झूठ में मत रहिए। जो द्वेष नहीं करते ना, उन सभी के लिए मार्ग बड़ा सरल है, आइए सुनिए, बदलिए, अनुभव कीजिए, बदलाव आएगा, सब कुछ करते चले जाइए, अगर बदलाव नहीं आ रहा तो मत कीजिए, बदलाव नहीं आ रहा तो मत कीजिए, बदलाव आ रहा है तो सब कीजिए, जो जो आज्ञा दी जा रही है सब कीजिए, कोई भी ऐसी आज्ञा नहीं दी जाएगी कि आप नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है पर प्रभु जी आपने बोल दिया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, ठीक है, क्लियर है। माता जी एक्सप्लेन किया क्या मैंने, जो बदलना ना चाहते हो अपने ईगोइस्टिक में रहते हैं, देखिए अपने ईगो में रहते हैं उनको भी आंसर कर सकते हैं, परंतु जो गुरु या गुरु के पद से द्वेष करते हैं फिर उनको नहीं आंसर कर सकते, उनको नहीं आंसर कर सकते। आप खुद उनको ये बोल सकती हैं, ठीक है हम जानते हैं आपने जीवन में बहुत कुछ किया है, आपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे, परंतु मेरी बात अगर माने तो, अगर आपकी बात इतनी मानते हो कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, आप बस इतना बोलिए कि मैंने आज तक आपसे कोई झूठ बोला, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कर रहा हूँ कि आप मेरी बात मान लीजिए, मेरी बात मान करके आप ये काम करके देख लीजिए और आपका जीवन बदल जाए, आप बस मान जाइए, अगर मान लीजिएगा तो जीवन बदल जाएगा, प्लीज कुछ दिनों के लिए मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए। आपको ये सारी बातें बोलनी पड़ेगी कि आगे चल के द्वेष ना करें,
क्या होगा कि कोई एक दिन दो दिन जुड़ जाएगा उससे लाभ नहीं होगा। असलियत तो यही है कि अगर कोई एक दिन भी जुड़ जाएगा तब भी लाभ होगा, परंतु वो अपना द्वेष, फिर से बताया था ना क्या, आपके और भगवान के बीच में बस आपकी मलिनता की दीवार बची हुई है। तो मलिनता की दीवार को ला करके और स्ट्रांगली खड़ा कर देगा, फिर कहां से बचाइएगा उनको? उनको फिर कोई नहीं बचा सकता, उनको नहीं बचाया जा सकता। बचा कब सकते हैं? जब साफ साफ बोल दीजिए, देखिए 15 दिन तक द्वेष मत कीजिए। हो सकता है कड़वी बातें बोलते हैं, बहुत बार कड़वी बातें बोलते हैं, पर हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। हो सकता है दिखने में छोटे लगते होंगे, है ना, वाइट बाल नहीं दिखेंगे, परंतु उनकी बातें संपूर्ण होती है। कुछ भी, आप लोगों को ये सारी बातें बोलनी पड़ेगी। मेरी बात, मेरा बात मान करके रुक जाइए, किसी तरीके से रुक जाइए, गंदगी मत फैलाइए, सुन लीजिए, बदलाव आ जाए। हम में और भगवान में बस एक ही रुकावट है, यहां तक पहुंचने के बाद बस एक रुकावट है। अपनी मलिनता को सामने ले जाइएगा, अपनी गंदगी को सामने ले जाइएगा, तो फिर भगवान नहीं मिलेगा, फिर ये रास्ता बंद कर दीजिएगा। भगवान रास्ता नहीं बंद कर रहे, आप कीजिएगा, मत कीजिए, मुश्किल नहीं। मानसी माता जी आंसर किया गया। और जो बदलाव को भी अस्वीकार कर दे, या बोले कि हमको तो नहीं बदलना है, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, ठीक है, हम 15 दिन नहीं रह सकते, उनको नहीं एक्सप्लेन किया, वो नहीं बदले। मैं यकीन दिलाता हूँ आपके परिवार में सब कोई बदल जाएंगे, सब कोई, परंतु अहंकार शून्य होना पड़ेगा, अहंकार शून्य होना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, अहंकार को हटाना पड़ेगा। अहंकार रखिएगा, द्वेष रखिएगा। दक्ष प्रजापति नहीं जीत पाए, वो दक्ष प्रजापति से ऊंचे तो नहीं होंगे, जो भी आपके संबंधी हो, दक्ष प्रजापति से तो ऊंचे नहीं हो, अपने अहंकार के साथ दक्ष प्रजापति हार गए, सब कुछ हार गए, शिव जी को तो हार ही गए, अपनी पुत्री सती माता को हार गए, अपने सिर को भी हार गए, सब कुछ हार गए। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु समझिए, शास्त्र है ना जो संपूर्ण है, शास्त्र में कोई अपूर्णता नहीं, सब कुछ लिखा। नहीं समझ में आता, बहुत बार नहीं समझ में आता, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो कीर्तन शेयर करें, ऋचा माता जी आप शेयर कीजिएगा, मैं करूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, कर सकती हूँ। ममता माता जी, किन्हीं को भी, कोई भी हो, आपको कुछ पूछना हो, और एक एक और रिक्वेस्ट, प्लीज मेरे को कल याद दिलाइएगा, क्लास में और जल्दी बोल देंगे, जो भी बहुत टाइम से चैंटिंग कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है, थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो क्या करें कि चैंटिंग ऑडियो मेरे को जरूर से भेज दें। थोड़ा सा भी डाउट होता है तो चैंट करते हैं, हम में बहुत गलतियां होती है, तो चैंटिंग का ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। फिर क्या होगा, अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है, बता देंगे कि यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, इसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत गड़बड़ चैंटिंग करते हैं, थोड़ा सा भी अपने आप पे डाउट हो, हल्का सा भी, हो सकता है एकदम छोटा सा भी डाउट है,
रिकॉर्ड कीजिए भेज दीजिए। दो तरीका रिकॉर्ड करने का, सीधा सीधा या तो व्हाट्सएप पे जाइए वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, या तो फोन पे रिकॉर्डर होता है रिकॉर्ड कीजिए, उसके बाद वो फाइल मेरे को भेज दीजिए। ठीक है, ओके।